हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट वो सदर कुनिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज बारकस के UPHC में टीका अंदाजी मुहिम का मुआयना किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वो रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने आज कांग्रेस कायदीन और कारकुनों के साथ हैदराबाद के गांधी भवन में सत्याग्रह प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये सत्याग्रह कोविड और ब्लैक फंगल्स के तमाम मरीजों का मुफ्त इलाज कराने के मुतालिबे पर मुनक्किद किया गया था। సత్యనారాయణరావు గారు, మాజీ ఎంపీ నందియల్లయ్య గారు, ఫార్మర్ ఇన్ఛార్జ్ ఓబీసీ డిపార్ట్మెంట్ రాజేశ్వర్ గారు, ఫార్మర్ తెలంగాణ మే కాంగ్రెస్ పార్టీ నే కహా హమ్నే భీ నిజాం కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ కే అందర్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కు ఫ్రీ సప్లై కా కామ్ ఆజ్ భీ చల్ రహే హై, అభీ తక్ హమ్ అబౌ 200 సిలిండర్స్ తక్ కరీబ్ కరీబ్ హమ్నే గాంవ్ గాంవ్ కో కోవిడ్ పేషెంటో కే ఘర్ ఘర్ కో कांग्रेस पार्टी के नाम पर मेमो ऑक्सीजन सिलेंडर्स डेली 5-10 इतने उन्ना, लेकिन हम अभी तक कितना किए हैं, टोटल 73 लाख फर्स्ट डोज दिए, अगर सेकंड डोज 70 लाख सेकंड डोज मिलाए तो हम अभी सिर्फ 13 लाख में ही है, यानी फर्स्ट डोज सेकंड डोज मिले से लोग 13 लाख से भी दिए और 3,50,00,000 में रीच हो रहा है, तो हमको और 2 साल लगे, तो क्या होगा? यहाँ भी मोदी जी जो भी पॉलिसी लाते KCR धब्बा मारते, ये कहते हैं कि वाह मोदी जी, मोदी जी बोले कि भाई मैं स्टेट को ओवर दे रहा हूँ, तो कहे कि बहुत अच्छी बात है, हम ग्लोबल टेंडर बुलाएंगे, कहाँ है रे भाई। कमिश्नर पुलिस रचागुंडा महेश भगवत, ITS और DCP मलकाजगिरी रक्षिता मूर्ति ने आज तेरात पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। पुलिस स्टेशन की इमारत की तौसी का काम मोदी बिल्डर्स और VRR स्टेट्स और दिगर के ताऊन से अंजाम दिया गया, जिस पर 20 लाख रुपए के मसारिफ आयद हुए। कमिश्नर पुलिस रचागुंडा महेश भगवत ने मोदी बिल्डर्स के डायरेक्टर अशोक कुमार और दूसरों को तहनीत पेश की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार IAS ने एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें भद्रादरी, कुत्तागुड़म, करीमनगर, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट अजला के जिले कलेक्टर्स, DMH और सरकारी जनरल हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट ने हिस्सा लिया। इस टेली कॉन्फ्रेंस में जिन अजला में कोविड की सूरत हाल का मुआयना किया गया और मुज़बित केसों के अलावा दवाखानों में बिस्तरों पर मरीजों की तादाद का भी जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने सूरत हाल का जायज़ा लिया और ज़िले कलेक्टरों को हिदायत दी है कि मौजियात और खुसूसन अजला के ऐसे इलाकों में जहां ज़्यादा केसेस की इतला आई है, लाहे अमल तैयार करें और COVID-19 पर कंट्रोल के लिए खुसूसी तवज्जो दें। चीफ सेक्रेटरी ने सरहदी मौजियात पर तवज्जो मरकूज करने, मुआयनों की तादाद में इजाफा करते हुए इसकी रोकथाम और बचाव से मुतालिक इकदामात करने की भी हिदायत दी। इस जायजा इजलास में सेक्रेटरी सेहत व खानदानी बहबूद SAM रजवी, सेक्रेटरी सेहत व खानदानी बहबूद डॉक्टर श्रीनिवास राव, डायरेक्टर सेहत आम्मा के अलावा चीफ मिनिस्टर के OSD डॉक्टर गंगाधर ने भी शिरकत की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने आज चिल्लापुरा हैदराबाद में वाक़े सिटी पुलिस लर्निंग सेंटर का दौरा किया और पुलिस मुलाजमीन और इनके अरकान खानदान की टीका अंदाजी के अमल का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने पुलिस मुलाजमीन के अरकान खानदान से भी बातचीत की। इस मौके पर DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल और दिगर ओहदेदार भी मौजूद थे।
वैक्सीनेशन का ये दौर चल रहा है। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब और इनकी पूरी टीम हैदराबाद सिटी पुलिस के हर विंग, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, CAR, होमगार्ड, सभी के फैमिली मेंबर्स का वैक्सीनेशन 4 जगह हैदराबाद में हो रहा है। बेगमपेट, पेटला बुर्ज, अंबरपेट और ये चेलापुरा। पुलिस डिपार्टमेंट के फैमिली मेंबर्स अभी तक रफली 33,000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हर रोज हम लोग करीब 500 से 700 हर सेंटर पे टारगेट रख रहे हैं करने का। और मेडिकल डिपार्टमेंट के तरफ से हर जगह टीम आई है और यहाँ हमारे पास DCP साउथ जोन भोपाल और पूरे CTC के सभी मेंबर्स, सभी ऑफिसर मिलकर ये काम कर रहे हैं डॉक्टर्स लोग के साथ। आज मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट के सभी फैमिली मेंबर्स को, ये गवर्नमेंट के तरफ से आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंतजाम किए गए हैं, इस फैसिलिटी को अवेल करिए, इसका फ़ायदा उठाइए और अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने पूरे घर को, अपने पूरे शहर को ये कोरोना से बचाइए। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से एक बार फिर हम डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब को और इनके पूरे टीम मेंबर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम करके हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के फैमिली मेंबर्स का जान बचा रहे हैं, उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।